Hello, Assalamu Alaikum. Welcome to my lectures. I am your Pakistan Studies lecturer, Midat Abbas. Students, we are still on the journey of Pakistan, chapter 2, which is Pakistan Movement and Emergence of Pakistan. Let's move on and see kya hua. Okay, so in the last lecture, we finally reached towards the freedom and the independence of pakistan which was 14th august 1947 now the most prominent figure who was responsible for that independence was right Kaideyazm. azam Kaid e azam muhammad ali jinnah he was named Kaideyazm, azam the leader of the nation the father of the nation because of his services because of his endless dedication towards pakistan Kaid e azam ko कायदे आजम का लकब जो है वो उनकी मेहनत की वजह से उनकी कोशिशों की वजह से उनकी जदोजहद की वजह से और जो डेडिकेशन उनकी पाकिस्तान की तरफ थी उसकी वजह से दिया गया बिकॉज पीपल यूज टू लुक अप टू हिम एज द लीडर जब उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और उसके बाद वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेजिडेंट बने उसके बाद दे वॉज नो लुकिंग बैक फाइनली ब्रिटिशर्स हैड टू गो हैड टू एक्सेप्ट मुस्लिम सेपरेट नेशन ब्रिटिशर्स को मुसलमानों को एज ए सेपरेट नेशन अपनाना पड़ा और ये कायदे आजम की ही मेहनत थी और जदोजहद थी जिसकी वजह से उनको ये रियलाइज हो गया कि अब वो मुसलमानों को इग्नोर या सप्रेस ना ही उनको इग्नोर किया जा सकता है और ना ही वो उनको दबा के रख सकते हैं सो यस कायदे आजम हैज द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान सो चलिए देखते हैं कि कायदे आजम की अपनी जिंदगी और उसके बाद उनकी सर्विसेज हिज रोल as a leader of the political party in the pre partition india and his role towards a prominent figure in the subcontinent kaise aage okay sabse his real name was Muhammad ali jinnah and his father's name was punja jinnah now let's look at his early life and education ki early Muhammad Ali Jinnah was born on 25th December 1876 in Karachi. Karachi me paida hue the Muhammad Ali Jinnah in 1876. His early education was from Karachi. Later he was sent to England for business experience. However, he had already decided that he wanted to become a barrister. quaid early education Karachi ki thi. Unko mein Allahabad bheja gaya but wapas bula liya, liya. फिर उसके बाद उनको इंग्लैंड भेजा गया ताकि वो बिजनेस का एक्सपीरियंस कर सके क्योंकि वो एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे लेकिन कायदे आजम ये डिसाइड कर चुके थे कि उन्होंने लॉ पढ़ना है और बैरिस्टर बनना है सो so उसके लिए उन्होंने लंदन में लिंक इन दिस वाज अ वेरी फेमस इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा था यहां से उन्होंने लॉ पढ़ा ही स्टडीड लॉ एंड ही बिकेम अ बैरिस्टर ऑल दो उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई दो साल में खत्म कर ली और सोलह साल की उम्र में ही वॉज द यंगेस्ट बैरिस्टर एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ हिज एफ एंड इंटेलिजेंस अपनी जहनी कमाल की वजह से और अपने एफर्ट्स की वजह से ही वॉज एबल टू कम्पलीट हिज डिग्री अर्लियर अब कादे आजम सिंस एन इंटेलिजेंट मैन उन्होंने बहुत यंग एज में ये फील कर लिया दट दे वॉज अ डिस्पैरिटी अमंगस्ट द रूलर एंड द रूल्ड उन्होंने ये नोटिस किया कि जो गवर्नमेंट थी या जो रूलर्स थे उस वक्त डेफिनेटली ब्रिटिशर्स उनमें और जो नेशन है उनमें बहुत गैप है या तो रूलर्स आर अनएबल टू तो अंडरस्टैंड कि नेशन क्या चाहती है या तो वो ये बात समझ नहीं सकते कि उनकी कॉम को क्या चाहिए या वो ये बात समझना नहीं चाहते ये दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं लेकिन सम आजम को ये बात समझ आ गई थी कि एक डिफरेंस जरूर है इस चीज में अब देखते हैं कि आगे चल के कादे आजम कैसे पॉलिटिक्स का हिस्सा ही बिकेम अ मेंबर ऑफ कांग्रेस बिकॉज कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस इन एज यू मे रिकॉल इट वॉज अ पोलिटिकल पार्टी जिसके थ्रू इंडियन ऑफ इंडिया ऑफ द रिलीजन को पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिली थी एक पार्टी मिली थी जो इंडियन ऑफ इंडिया बिफोर पार्टीशन को रिप्रेजेंट कर सके सो so, कादे आजम

Yes, Morliment reforms. Morlimentary reforms may he was chosen as a representative for the Muslims. The people of the India chose him as the representative of the Muslims to put their demands forward in Morliment reforms. Because Congress and Muslimi both were unhappy with it. 1910, he was elected in the Imperial Legislative Council, that being the highest rank. Imperial Legislative Council may he was selected. 1930 may

वो ये सोचा करते थे कि हम रिलीजन के बेसिस पे कॉम को डिवाइड नहीं कर सकते एंड वी कैन लिव पीसफुली टुगेदर एज ए नेशन कि पहले हम ब्रिटिश से जान छोड़ा लें बाकी बातें आपस में बाद में हो सकती हैं बट ये ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बट उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन नहीं किया था तब तक नाइनटीन सिक्सटीन में उन्नीस सौ सोलह में ही बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड द फेमस लखनऊ पैक्ट साइंड अंडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस यूनिटी के बेसिस पे उन्होंने फाइनली उन्नीस सौ सोलह में लखनऊ पैक साइन किया जिसके अंडर इफ यू क्लियरली रिमेम्बर तो इंडियंस ने इनफैक्ट हिंदूज ने पहली दफा ये एक्सेप्ट किया और कांग्रेस ने एक्सेप्ट कियापरेट एंटिटी ऑफ मुस्लिम इन द इंडिया दिस वॉज द फर्स्ट एवर अग्रीमेंट विच वॉज रीच्ड ये सबसे पहला अग्रीमेंट था जो हिंदू और मुस्लिम के दरमियान किया गया बहुत कुछ हुआ था इफ यू रिमेंबर खिलाफ मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी इफ यू रिमेंबर वर्ल्ड के फ्रंट पे क्या चल रहा था वर्ल्ड वॉर वन हम साथ लेके चलते हैं वॉज टू मच हैपनिंग इन द वर्ल्ड लेकिन रोल आउट किसी भी इंसान को या एनी पीपल द जबार कोई भी इंसान इस लॉ के अंडर ट्रायल के बिना या अपनी सफाई पेश किए बिना उसको सजा दी जा सकती थी और उसको जेल में डाला जा सकता था कायदेम बींगल्फ एंड बींगन सेल्फ ही अगेंस्ट दिस He said that this act. He said that this act was unconstitutional. That the constitution of against Because according to the constitution, her citizen has right to live and defend So he declared it unconstitutional and resigned from the government. Remember, he became the member of the Imperial Legislative Council, the Viceroy Council. He resigned from there after this.

They represented themselves separately through an, a political party, which was Muslim League. 1929 may he introduced his famous 14 points. Now, famous 14 points किसके response में Right, 1928 Nehru Report. जब 1928 may Jawaharlal Nehru, who was a prominent leader of Congress, usne apne points wrote apni report जिस रिपोर्ट में उसने मुसलमानों को एज अ सेपरेट एंटिटी मारने से इनकार कर दिया उसके बाद कायदे आजम हु इन फेवर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड स्टार्टेड टू थिंक उनके सामने बहुत सारी चीजें खुलने लग गई एंड ही रियलाइज दैट प्रॉबिबली दिस थिंग नीड्स टू बी रिकनसिडर्ड तो उन्होंने अपने फेमस 14 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए जो कि ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि जो जितनी वहां पे माइनॉरिटी है उनकी भी और सारी कौम के लिए फेवर में थे प्लस फोर्टीन पॉइंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे फॉर द फ्यूचर कंट्री नाइनटीन थर्टी टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिसउंड टेबल थ्री तीन हुई थी लेकिन आजम ने सिर्फ फर्स्ट टू में पार्टिसिपेट किया था नाइनटीन थर्टी फाइव क्या हुआ था यस यूर एब्सोलूटली राइट वेल डन एक्ट ऑफ इंडिया नाइनटीन थर्टी फाइव जो कि पास हुआ था इफ यू रिमेंबर तो लेटर्स भी लिखे गए थे नेहरू को और कायदे आजम को कायदे आजम वॉज नॉट एट ऑल इन फेमस इन फेवर ऑफ इट दिस एक्ट वॉज डिसक्ट बाई बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बट लेटर ऑन कायदे आजम प्रोवाइडेड अ रेजोल्यूशन जिस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली प्रोविंशियल पार्ट इस एक्ट का एक्सेप्ट कर लिया गया क्योंकि इस एक्ट में प्रोविंशियल अटोनमी दी गई थी सूबों को खुद मुख्तियार किया गया था कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके देन थिंग्स थिंग ऑन अकॉर्डिंग टू दिस रेजोल्यूशन एंड एक्सेप्टिंग द पार्ट 1936 और 37 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया हाउ एवर यह इलेक्शन कांग्रेस जीती बट 1939 में कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया टू शो देयर अपराइजिंग और शो देयर विद द गवर्नमेंट ऑन सेवरल इशूनटीन फोर्टी द फेमस रॉल रेजोल्यूशन मिनारे पाकिस्तान पाकिस्तान का नजरिया जब सामने रखा गया

1945 और 46 के इलेक्शन में 100 परसेंट सीट जीती थी फेडरल असेंबली में और 90 परसेंट सीट जीती थी इन प्रोविंशियल असेंबली एंड यस हेंस इट वाज वॉज दैट देर टू सेपरेट नेशंस दैट एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस और सेट नेग्जिस्ट नहीं कर सकते कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमे हैं और ये एक मुल्क में इकट्ठे नहीं रह सकते क्यों क्योंकि इनके रिलीजन इनका मजहब अलग है ये सोशली अलग हैं और ये कल्चरली भी अलग हैं। 1946, 46 में आजम का क्या रोल था? रिमेंबर रिकॉल करें पॉज करें जल्दी से राइट डाउन क्या प्रपोजल्स थी उसका मेन आइडिया लिखें राइट ही अपोज द कैबिनेट मिशन प्रपोजल्स ही मेड ऑल द कांग्रेस ब्रिटिश had to admit इन कैबिनेट मिशन ignore Muslims. रिमेंबर कैबिनेट मिशन में जब ब्रिटिश और कांग्रेस की आपस में बहुत फ्रेंडशिप थी एंड वर ब्रिटिशर्स जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करते थे और वो बिलीव करते थे कि वो किसी तरह मुसलमानों को दबा के इस बात पे मना लें या इग्नोर करके इस बात पे मना लें कि एक गवर्नमेंट रखी जाए सेल्फ रूल दे दिया जाए इंडिया को लेकिन गवर्नमेंट एक रखी जाए और हिंदू मुस्लिम दो सेपरेट नेशन नहीं है नाउ कायदे आजम रोल द पोलिटिकल अवेयरनेस दिस वॉज द रीजन दैट कैबिनेट मिशन फाइनली थॉट कि अब हम मुसलमानों को इग्नोर कर ही नहीं सकते और हम जो भी सेल्फ रूल उनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना रहे हैं हमें दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनानी पड़ेंगी वन फॉर हिंदूज मेजोरिटी एरियाज एंड वन फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इट वॉज कायदे एफर्ट बिकॉज ही वॉज वेल वर्स्ड वो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छे से पहचानते थे एक अच्छी पोजिशन में थे अगर आप देखें तो इस सारे सिनेरियो में जहां हम ये टाइमलाइन देख रहे हैं कि कैसे कैसे मुल्क की तरफ जब हमारा कदम बढ़ा एक आजाद मुल्क की तरफ वैसे वैसे कायदे आजम ने हर स्टेप पे क्या मेहनत की क्या रोल प्ले किया उसी तरह यहां पे भी कायदे आजम का ही रोल था दैट ही कन्वर्स्ड विद पीपल इंग्लिश लैंग्वेज उनको अच्छी आती थी उन्होंने एजुकेशन का फायदा उठाया अपने नॉलेज का फायदा उठाया अपने विजन का फायदा उठाया लोगों को समझाया मनाया एंड इस बात का एहसास दिलाया ब्रिटिशर्स को कि मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन फोर्टी 1947 the independence we got. He became the first governor general of Pakistan after Pakistan came into being. He was elected the first governor general. However, there was this unfortunate thing which he did not keep inform people about. But Kismati say, Kaide Azam was suffering from TB, tuberculosis. एक बीमारी जो उस वक्त बहुत आम नहीं थी और लोगों को इसके बारे में नहीं पता था लेकिन कादे आजम को अपनी इस बीमारी के बारे में पहले पता लग चुका था उन्होंने ये बात सबसे छुपा के रखी और इस बात को बाहर नहीं निकलने दिया क्यों क्योंकि पाकिस्तान उसको क्रुशियल स्टेजेस में था अगर ब्रिटिशर्स या कांग्रेस को यह बात पता लग जाती कि वो बीमार हैं और ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकेंगे तो उनको ये डर था कि ये जो पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़े हुए हैं वो वापस हो जाएंगे या कोई रुकावट पैदा ना हो जाए सो आफ्टर का पाकिस्तान केम इन टू बी बींग इलेक्टेड एज फर्स्ट गवर्नर जनरल कंटिन्यूड वर्किंग ही वर्क डे एंड नाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्योंकि जब एक कंट्री नया बनता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं अपने डिफेंस के लिए भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अपनी फ्रेमवर्क के लिए भी बहुत सारी चीजों के लिए उसको काम करना पड़ता है और कायदे आजम ने यह काम किया जिसके रिजल्ट में हिज हेल्थ फर्दर डिटीरटेड उनकी सेहत मजीद खराब हो गई ही सफरिंग फ्रॉम टीबी हिज हेल्थ फर्दर इन एट ही पास आफ्टर लॉन्ग फाइट विद टी बी ऑन 1948. से so, इस तरह 11 सितंबर 1948 को Our nation lost its father, Quaid-e-Azam. But whatever services he has provided, whatever he has done for us, our nation, it can never be forgotten. Qualities of Kaydyazm. Now we see that as a person, as a character, Kaideyasm inside. many qualities thi, ne unko ye sare helped him perform these help roles? He was a leader, for sure, because under his leadership. द मुस्लिम लीग एक्सेल्ड द मुस्लिम एक्सेल्ड जो कामयाबियां हासिल हुई वो कायदे की लीडरशिप के अंदर थी लॉयर ऑबली वॉज ए बैरिस्टर अगर उनको इन्फॉर्मेशन ना होती वो पढ़े लिखे ना होते इंग्लिश लैंग्वेज से वेलवर्ड्स ना होते तो वो इस चीज को एक्सप्रेस ना कर पाते और अपनी बात ब्रिटिशर्स तक पहुंचा ना पाते पॉलिटिशियन ऑब्वियसली ज्वाइन पॉलिटिक्स गवर्नर जनरल ही वॉज एन ऑनिस्ट मैन वो सच बोलते थे और सच बोलने में यकीन रखते थे he was, he वो उन्होंने जब भी ब्रिटिशर्स से या कांग्रेस से या जिससे भी वो मिले उन्होंने मुसलमानों के वेलफेयर को या मुसलमानों के कॉजेज को सबसे आगे रखा बट वो मिले मुस्कुरा के अच्छे तरीके से जिस तरीके से इंसान को किसी दूसरे इंसान के साथ बात करनी चाहिए उन्होंने कभी भी इस चीज़ को नजरअंदाज नहीं किया कि कोई भी बात सामने रखने के लिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है बट यू कैन बी फर्म एंड यू कैन पुट योर थिंग्स फॉरवर्ड डेडिकेशन ही वॉज डेडिकेटेड टू हिज वर्क As a barrister, as a loyal, as a leader of the nation, as a representative of the Muslims, he was very dedicated. He was loyal. He was loyal towards country. वो अपने मुल्क की तरफ बहुत loyal थे. Selfless. He was selfless. That's why even after being suffering from TB, he continued working for the people of his nation. उन्होंने अपनी बीमारी के बावजूद मुल्क के लिए, अपनी कॉम के लिए काम जारी रखा. He was courageous. स्क्रेजे तभी उन्हों ने ब्रिटिशर्स के साथ भी जो सेंसिबल तरीके से अपनी जंग लड़ी जा सकती थी एज यू मिटर्मिट अ वॉर विदाउट द आर्म्स एंड एमिनेशन वो उन्होंने जारी रखी वो डॉक्यूमेंटेड चीज में बिलीव करते थे इसलिए जब भी ब्रिटिशर्स उनसे कांटेक्ट करते थे तो उनको डॉक्यूमेंटेड लेटर्स में आंसर करते थे इवन बिटवीन हमसेल्फ इवन देवर लेटर्स रिटर्न फ्रॉम इलामा इकबाल टू कायदे आजम एंडलाइड बैक सो दम्युनिकेशन was very important according to him. He was a strategic planner. Strategic planner, remember they hindu in favor Hindu-Muslim unity but then when they were eye-openers when Hindus behaved against Muslims so this dedication and dedication, loyalty thi towards the Muslims and towards the country that he had to change his strategy he had to change his mind. But even at the same time, he never let go of the basic ethics and manners. यूज टू पुट फॉरवर्ड हिज़ वॉइस वो अपनी डिमांड मुसलमानों की डिमांड सबसे आगे अपना पर्पज सबसे आगे रखते थे लेकिन बात वो तरीके से करते थे ये आजम वॉज ए विजनरी लीडर एंड अंडर हिम वी एक्सेल्ड एंड वी गॉट अर कंट्री विच वी नो एज पाकिस्तान टूडे स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में वील मूव टू वर्ड्स द प्रॉब बाय द अर्ली पाकिस्तान पाकिस्तान बनने के बाद फॉरन पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़े Because that leads to emergence of Pakistan. Till then, Allah Hafiz.